हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी निकली हूँ घूमने, और मेलबर्न के लिए घूमने निकली थी। सो आप ये देख सकते हो पीछे पूरा हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। हम 2-3 दिन के लिए आए हैं और हम निकल गए हैं, और लेट्स सी कैसे रहता है एक्सपीरियंस। आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी मैं। सो जस्ट मैं बैठी थी वहाँ से, वॉइस मैंने चला वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाहर निकली थी और मैं आपको ऐसी लोकेशन दिखा रही थी कैसी है। तो ये बस हम लोग निकल गए थे, सच्ची बात है। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, इसमें गाड़ी में बैठ गई थी और बस ये पेट्रोल पंप पे बैठे थे हम लोग, पेट्रोल डलवा रहे थे। तो बस तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ ना, हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे। तो यहाँ पे ना, जब पेट्रोल पंप पे रहते हैं तो कोई ना कोई स्टोर्स जाते हैं खाने पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा। 2-3 दिन से धूप पड़ रही थी, अब जिस दिन हम लोग निकले उस दिन बिल्कुल धूप नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। सो ये वही है पेट्रोल पंप। और यहाँ पे देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी की ओर। और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई रास्ते पे, बिकॉज ऑफ माय मेमोरी वाज टू लो। एंड बस जैसे जैसे मुझसे शूट हुआ, जैसे कि आपको ये दिखाती हूँ, रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने लायक, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू था। वहाँ पे रेस्ट हाउस भी रहते हैं, रेस्ट रूम्स वगैरह जिनको बोल रेस्ट प्लेसेस बोला जाता है। और रास्ते में इतनी सारी काउस, मतलब फार्म हाउस और बुलशिप तो इतनी सारी थी यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। सो ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट व्यू ज़बरदस्त है। जिनको नेचर से प्यार है ना, वो लव दे विल लव टू ट्रैवल टू कैनबरा टू मेलबर्न। और हम लोग तो ज़्यादा रुके नहीं, बट रुक रुक के आराम से, जिनके पास बहुत टाइम है वो आराम से रुक के टाइम स्पेंड करके निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू था। आप देखते चलिए साथ साथ में। और ये साथ साथ में अपने इंस्टा की वीडियो भी बना रही थी, 2-3 और भी बनाए थे, बट उसमें गाने का आ रहा था कॉपीराइट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, बस ये शेयर किया है। और यहाँ पे हमने कुछ चिप्स वगैरह लिए थे, हमने सुबह से एज यूजुअल नाश्ता नहीं किया था, तो मैं ब्रंच कर रही थी। ये स्नैक्स की भी तो मैंने पहले खा रही थी, बहुत यमी हेल्दी एंड टेस्टी भी था। सो बस ये शॉर्ट्स ले रही थी मैं यहाँ से। चलो फिर आप आगे देखिए सारी हमारी जर्नी। अभी हम लोग रास्ते पर पहुँचे हैं, वैसे 7-7.5 घंटे लगते हैं। और अभी
5 घंटे और हैं और मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मिक्स फ्रूट्स रहते हैं इसमें, कैंडी वगैरह ये चॉकलेट स्वीट्स, अच्छा रहता है, टेस्टी है, ये सब रहता है इसमें और भी है काफ़ी, और चोको चिप्स है, ये पम्पकिन सीड्स वगैरह भी है, वॉलनट भी है, सब है इसमें। हम लोग ने ब्रेक ली है मेलबर्न जाने के लिए, 3 घंटा है अभी। सो यहाँ पे कुछ ये फेमस जगह है, मतलब बैठ के आराम से बंदा खा सकता है फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे हंगर जेल्स है और भी काफ़ी है, ये कैफ़े केक है शायद पीछे, और भी सारे, काफ़ी सारे आगे भी हैं स्टोर्स वगैरह, कुछ लेना है खाने पीने के लिए ब्रेक के लिए तो आप कर सकते हो। जैसे 7। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रेस्ट में कुछ शूट नहीं पाई बिकॉज ऑफ माय मेमोरीज, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो बस 1 घंटा रह गया था हमारे पहुंचने में। सो मैंने जस्ट कैसे भी करके वीडियोस कुछ डिलीट करके अपनी मेमोरी बनाई और मैंने वीडियो शूट की। अच्छा, सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया कैनबरा टू मेलबर्न आने के लिए। बीच में बारिश थी, धूप थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, बादल हुए थे। सो ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का तो मज़ा ही कुछ और है, बहुत मज़ा आता है, क्या बोलते हैं आप लोग, आप लोग को भी ऐसे ही मज़ा आता है ना ट्रैवल करने के लिए। तो बस यही शूट कर रही थी मैं, और मैं बता रही थी आप लोग को सबको कि ऐसे ऐसे है, 1 घंटा रह गया है, और बीच में रेस्ट एरियाज भी थे, और मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ ऊपर से इसके, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तब गाने चल रहे थे, सो वो मैं नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी इसके ऊपर पर। हाँ, तो जैसे बच्चों, अभी जैसे 7 घंटे का ट्रैवल है कैनबरा टू मेलबर्न, सो बीच में क्या होता है कि जो बच्चों के साथ में आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं, तो उनको बीच बीच में रेस्ट भी करना होता है। सो वहाँ पे रेस्ट एरियाज भी हैं, और जहाँ पे हम रुके थे वो एरिया भी काफ़ी बड़ा था, फैमिली से अच्छे से बैठ के खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, आराम से चल सकते हो, 1/2 घंटा भी वहाँ पे रुकोगे, 15-20 मिनट, तो इट्स इनफ, मतलब 3 घंटे का ट्रैवल किया, फिर बाद में रेस्ट ले लिया और फिर रहते, तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, रास्ते में एक जगह है वॉल्वो करके, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता, बट अगर इनकेस मैं पूछती हूँ किसी को, अगर मुझे पता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बीच में के मतलब 3 घंटे के बाद एक स्टॉप आता है, 3.5 घंटे के बाद, तो वो स्टॉप पे आप आराम से रुक सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि खा भी सकते हो वहाँ पे, हंगरी जैक्स है और काफ़ी है, मतलब खाने पीने के लिए, सो बच्चों के लिए खेलने के लिए भी, अगर बच्चे साथ में अगर फ्रस्ट्रेट हो गए बैठ बैठ के, तो लोग थोड़ा खेल भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा एरिया था, बहुत अच्छी जर्नी थी, और अभी तो हम लोग 1 घंटे में पहुंचने वाले थे ऑलमोस्ट। सो बस वही मैं आपको छोटा सा बता रही थी कि कैसे हमारा सफ़र रहा, क्या रहा, कैसे आप रेस्ट कर सकते हो आते आते, चाहिए तो आप बीच बीच में रुक भी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा यही। अच्छा, आप देख सकते हो ये जो बंदा है ना, साथ में ट्रैवल कर रहा था, मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा सामान भरा पड़ा था पीछे ट्रैवलिंग करते करते। सो बस यही आपको दिखाना चाहती थी, काफ़ी लोग दुनिया में ट्रैवल करते हैं और कैसे अपना सारा, मतलब 6-6 महीने का सामान भर भर के ट्रैवल करते हैं। आई थिंक सो वही बंदा है जिसमें सारा, मतलब उसमें छोटा सिलेंडर और हर एक चीज़ें भर रखी थी उसमें, तो बस वही अभी पहुँचते हमें रात हो गई थी, हम लोग 9 बजे पहुँचे हैं वहाँ पे, और बस आप लोग को मेरी वॉइस ओवर में भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही रहेगी, क्योंकि अब पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है बच्चों की, और काफ़ी लोग आए हुए हैं जहाँ पे, हम लोग आए थे
मेरे भाई के फ्रेंड के घर पे आए, तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ हर एक चीज़ के पीछे, क्योंकि आपको फिर सुनाई नहीं देगा एग्जैक्टली ना, मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या दिखाना चाहती हूँ, इसलिए वॉइस ओवर करके दिखा रही हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए थे उस जगह पे, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया था, तो बस मैं वही शो कर रही थी। तो चलो अभी शायद कल के ब्लॉग में मिले, शायद नहीं, मुझे तो डालना ही है तो मैं डालूँगी पक्का। तो चलो बाय बाय। और ये हम लोग जो पहुँच गए थे वहाँ पे ना, बस हार्डली 2 मिनट्स रह गए थे, तो बस वही मैं शॉट ले रही थी थोड़ा सा आगे का व्यू के साथ में। तो काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एरिया इंडियन लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा एरिया है। तो चलो गाइस, रात के 9 बज गए, अभी हम जस्ट पहुंचे हैं सोलर इंस्टॉलेशन में। और जिन्हें हमने पूछे ना लाइट वालों, सो फाइनली वी हैव रीच टू मेलबर्न, सिडनी टू मेलबर्न का रास्ता है, और फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। बाय बाय, सी आर, टेक केयर, मिलते हैं आपको सुबह के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में वीए में सुबह अपडेट करूँगी, और मिलते हैं आपको। बाय बाय, सी आर, टेक केयर।